हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। ठीक है, ध्यान से पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे और इसमें कई सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे कवर करेंगे जो आपको अपने आप से भी पूछने हैं, जैसा कि हमारी सीरीज का नाम है, और इंटरव्यू में भी कॉलेजेस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो लोगों के अभी रिसेंट में इंटरव्यू है, कैट जो लोग दे चुके हैं या IPMET देने वाले हैं ना, उनके लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट है। और अगर जो लोग नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन सभी से तैयार कर लेना बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो है वाई MBA है ना, या वाई BBA। तो जब भी ध्यान देना आप लोग, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है वाई MBA, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, क्या कॉलेज में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या सही में आप अपने आप से पूछना चाहते हो कि वाई MBA। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, लास्ट 9 to 10 ईयर्स से जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ है ना, या बच्चों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको MBA क्यों करना है या BBA क्यों करना है। वो लोग फैकल्टीज से पूछते रहते हैं कि सर इसका आंसर क्या दें, मैम इसका आंसर क्या दें। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस कॉलेज में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आप लोग MBA क्यों करना चाहते हो, है ना, आपके गोल क्या है लाइफ में। तो इन सब के आंसर जो भी रहे ये आप किसी और से मत पूछा करो, ये अपने आप से पूछा करो। इसीलिए हमारी सीरीज का क्या नाम है, क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना इन वीडियोस को। ठीक है, तो अगर ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप इसमें अपने क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो कॉमन क्वेश्चंस के हम लोग वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वाई MBA का ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको अपने आप से पूछना है। कभी भी ये क्वेश्चन है वाई MBA है ना, तो आप ये मत सोचना कि इंटरव्यू में इसका क्या जवाब देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, इंटरव्यू के हिसाब से आंसर तैयार मत करो। पहले खुद से पूछो कि आपको MBA क्या करना है। या इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ, लाइक कई लोग MBA की स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं है ना, उनको मालूम ही नहीं होता कि MBA के कॉलेजेस की फ़ीस क्या है ना। यानी 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो MBA जो करने जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कॉलेजेस की फ़ीस क्या है। फिर जब कैट का फॉर्म भरते भरते या IPM का फॉर्म भरते भरते जब उनको फ़ीस पता चलती है तो प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो आप सोचो कि आपने 1-1.5 साल जो भी प्रिपरेशन में लगाए थे वो तो आपके ऐसे ही ख़राब हो गए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वाई MBA या वाई BBA, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइफ में है ना, चाहे कैट, चाहे IPMET, चाहे बैंक, चाहे SSC, चाहे UPSC, आपको उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, है ना। जब तक अपने आप में क्लियर नहीं होगा आंसर तब तक आप सामने वाले को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, अगर आपके मन में खुद ही इसका आंसर क्लियर नहीं है तो आप सामने क्या एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर ऐसे में ना आप क्या करते हो, गूगल सर्च करते हो या आप जिस भी इंस्टीट्यूट जाते हो वहाँ की फैकल्टीज से पूछते हो, फिर वो आपको जो आंसर बताते हैं या गूगल पे जो पढ़ लेते हो वही जाके आप सामने चिपका देते हो, है ना, इंटरव्यू में। तो पूरा का पूरा कबाड़ा हो जाता है। और हाँ, इंटरव्यू में एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है कि वो इंटरव्यूअर को ऐसे ही बेवकूफ़ बना लेंगे, जो भी बोलेंगे वो सामने वाला मान लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी MBA कॉलेज का इंटरव्यू किसी भी सेक्टर में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो आप उसको घुमा नहीं सकते, है ना। दूसरा, अगर आप लोग गूगल या इधर उधर से आंसर कॉपी करके पूरा का पूरा वैसे ही सुना दोगे तो सोचो ऐसे कितने सारे लोग करेंगे। और ये लोग तो हजारों लोगों के इंटरव्यू लेते रहते हैं, हर साल कितने लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। अगर गूगल सर्च वाले कितने सारे आंसर सुन लेते होंगे, कभी सोचा ऐसा, है ना, सबका वही घिसा पीटा आंसर जो भी रहता होगा, है ना। अभी आप सर्च करोगे कुछ कॉमन आंसर मिल जाएंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आंसर आपका हमेशा खुद होना चाहिए। इसके लिए आपको ये सवाल खुद से करना है, ना कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आप से पूछो कि MBA क्यों करना है, BBA क्यों करना है ना, इसके क्या बेनिफिट है, आपको इसकी नीड है कि नहीं है। ठीक है, क्या सही में MBA जरूरी है आपके लिए कि नहीं है। प्लस उसमें फिर आपके जो कॉलेज की फीस आएगी है ना, 20 लाख या उससे थोड़ी कम ज़्यादा, जो भी IIM के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कैट के थ्रू,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आप पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पे कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, लोन लेना है कि ऐसे ही पे करना है, बहुत सारे। फिर आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, आगे की स्लाइड्स में ये सब भी मैं कवर करूंगा, है ना। आप उसके प्रोज एंड कॉन्स खुद लिखो, आप मैच करो अपने आप को एमबीए से कि आप सही में एमबीए कर पाओगे कि नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि नहीं है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। तो ये जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, ये सब मेनली वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको अपने आप से खुद से पूछ लेने चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले, है ना। लाइक हम कैट की प्रिपरेशन, मान लो 2021 का कैट देना है, आज मैं सोचूं कि मुझे नेक्स्ट ईयर कैट देना है या नेक्स्ट ईयर आईपीएमएट देना है, तो मैं आज अपने आप से सवाल पूछूं कि सही में क्या मुझे कैट देना है, और देना है तो इसमें मेरे को किस टाइप के कॉलेज में जाना है, क्या स्ट्रीम चूज करनी है। अगर मेरे फंडे क्लियर है तो आगे मैं एग्जाम भी अच्छे से निकाल लूंगा और एग्जाम के बाद में इंटरव्यू भी अच्छे से निकाल लूंगा। लेकिन अगर मेरे फंडे ही क्लियर नहीं है तो फिर मैं एग्जाम भी अच्छे से नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं कैट को अच्छे से जानता ही नहीं हूँ, आईपीमेट को अच्छे से जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इनका एग्जाम भी कैसे क्लियर करूंगा, है ना। प्लस आप कभी भी ध्यान दे लेना, किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू पढ़ना, जिसने कैट निकाला हो, यूपीएससी निकाला हो, कोई भी एग्जाम निकाला हो, उनके जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आप एक चीज कॉमन पाओगे कि वो घिसे पीटे आंसर नहीं देते, उनके जो आंसर्स रहते हैं वो यूनिक रहते हैं, है ना। वो उनके खुद के रियल आंसर, जेन्यून आंसर रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के आ गए हों, गूगल वूगल से कॉपी करके वो चिपका रहे हों सामने। तो आप जो भी करो उसमें आंसर आपके खुद के होने चाहिए, जेन्यून होने चाहिए, है ना। फिर हाँ, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, बोलने का तरीका सीखना है, ये सब ये आप अपने इंस्टीट्यूट में आपकी फैकल्टी से पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आंसर ही आप किसी और का चिपका दो। जैसे हो सकता है मेरे एमबीए करने का मोटिव कुछ और हो, आपके एमबीए करने का मोटिव कुछ और हो, अब मेरा मोटिव आप मुझसे सुन के अपने इंटरव्यू में बोल दो तो वो आपका मोटिव तो रहा नहीं। इस तरीके के काफी सारे एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देने, ठीक है। अब कुछ काम के पॉइंट्स का आप ध्यान रखना, जैसे इंपॉर्टेंस फॉर यू, ठीक है। अगर आपको एमबीए करनी है, ये नोट कर लेना, इसके हिसाब से आप अपने आंसर मार्क कर लेना, लिख लेना, है ना। एमबीए की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्यों करना चाह रहे हो, है ना। आप पैकेज के लिए कर रहे हो, सीखने के लिए कर रहे हो, है ना, ब्रांड नेम के लिए कर रहे हो, या आपको अपना आगे खुद का बिजनेस चालू करना है उसके लिए एमबीए करना है, आपको किस टाइप की क्वालिटीज चाहिए एमबीए करने के बाद, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, फाइनेंस में अच्छा करना है, मार्केटिंग में अच्छा करना है, एचआर में अच्छा करना है, ये सब फंडे क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। देन योर प्लान फॉर योर करियर, सेम उसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने कहा, आपके प्लान क्लियर होने चाहिए। अगर देखो आप अब ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप 12th के बाद आईपीएम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब इस स्टेज तक आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे फिर वो बोलो यार पापा ने कहा था एमबीए करने, किस लिए एमबीए करना है ना, ये सब ये अब सही बातें नहीं है। घुमा फिरा के आप ऐसी फालतू की कुछ बातें करो, है ना, कि पेरेंट का बहुत प्रेशर था इसलिए एमबीए करना है, इसलिए बीबीए करना है, आपके खुद के लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। तो आपका प्लान क्या है आगे को लेके, उसके हिसाब से आपको ये आंसर लिस्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, आपका जो भी आंसर रहना चाहिए शुरुआत में, जैसे देखो अभी तो आप कोई इंटरव्यू देने नहीं वाले, अपना खुद का जेन्यून आंसर लिखो, वही अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आप अपने हिसाब से लिखो कि आपको एमबीए क्यों करना है, ये मत करो कि गूगल से सर्च करके। एक बार आपने आंसर लिख लिया ईमानदारी से पूरा, फिर आप अपनी फैकल्टी जो भी आप जहाँ भी इंस्टीट्यूट में क्लास जाते हो या इधर उधर आपके वेल विशर जो है ना, उनसे आप ग्रामर और ये सब की करेक्शन करा लो, या उनको बोल दो कि इसको मैं कैसे बोलूँ, है ना, इस तरीके से आप तैयारी करो। लेकिन आपका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए, वो किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एमबीए करने में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अब इसमें मैंने सामने यस या नो करके दो ऑप्शन लिखे, तो इसमें भी देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको अगर पहले से पता है, जैसे कई लोगों को पता होता है कि मुझे फाइनेंस से ही करना है, तो फिर उसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर लें, पढ़ लें, है ना, तो उनको पूरा आइडिया रहेगा, तो उनके लॉजिक क्लियर रहते हैं कि हाँ फाइनेंस में एमबीए करना है, तो वो पूरा बता सकते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है उनके लिए, तो उसी हिसाब से अपना आंसर डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन से करना है, तो फिर आप इसका ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि पहले जो नॉर्मल 1 ईयर रहता है उसमें आप अपने आप को एनालाइज करोगे कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, है ना। उस फील्ड के बाद आप सेकेंड ईयर में, नॉर्मली कई जगह ब्रांच लेते हैं, तो आप सेकेंड ईयर में चूज कर सकते हो,
कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन से करना है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के आप खुद के आंसर बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आज जो हमने कवर किया है ये है वाई एमबीए। तो वाई एमबीए से रिलेटेड मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी इंसाइट्स दे दी होंगी कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, गूगल से टाइप या कॉपी मत कर लेना, आपके जो भी आंसर हो आपके खुद के होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हो, तो हम आगे के और भी वीडियोस बनाएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लाइफ में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, और कई चीज़ें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।